प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद नपा की दुकानों में पिछले 20 साल से अधिक समय से किराए पर दुकानें लेकर दुकानदारी कर रहे दुकानदारों के लिए लिए गए मालिकाना हक संबंधी फैसले को लेकर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने दुकानदारों के साथ एक बैठक की। बैठक थानेसर नगर परिषद के कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में 20 साल से अधिक समय से नगर परिषद नगर पालिका की दुकानों के किराए पर दुकानें चला रहे किराएदारों को अब उनका मालिकाना हक मिलने संबंधी सरकार द्वारा जारी की गई नियम व शर्तों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। 20 साल से अधिक समय से बैठे दुकानदारों को डीसी रेट अदा कर सरकार द्वारा जारी नियमों और शर्तों के आधार पर दुकानों का मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही 20 साल से अधिक समय से जो दुकानदार किराए पर दुकानें लेकर काम कर रहे हैं उनको इस फैसले को लेकर उनकी राय भी दुकानदारों से ली गई। इसी को लेकर नियम व शर्तों को लेकर दुकानदारों के साथ थानेसर विधायक सुभाष सुधा द्वारा जो बैठक आयोजित की गई, इस बैठक के दौरान उन सभी दुकानदारों से इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि सरकार द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं क्या उन नियम और कानूनों को वो दुकानदार पूरा करते हैं या नहीं, उन दुकानदारों के पास कागजात हैं या नहीं, यदि कागज कम है तो वो कागज बकाया कागज किसके पास है। उन्होंने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि वे जो एग्रीमेंट में बात है उसके रिकॉर्ड को दुकानदार भाइयों के नगर परिषद में दर्ज रिकॉर्ड को ही मान्य करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि जो भी उन दुकानदारों का यानी दुकानदार किराएदारों का जो भी नगर परिषद में रिकॉर्ड दर्ज है उसी को ही मान्य कराया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो भी नियम और शर्तें इस बारे में लागू की गई हैं इसी को लेकर उन्होंने दुकानदारों के सुझाव मांगे और उनके इस विषय पर चर्चा की। दुकानदारों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं वे उन सुझावों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे ताकि इन दुकानदारों को नगर परिषद के लगभग 189 दुकानदारों को जो 20 साल से अधिक समय से नगर परिषद की दुकानों में किराए पर दुकानें लेकर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं उनका मालिकाना हक मिले, इस बात को लेकर वे दुकानदारों के सुझाव और उनकी राय को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द इन दुकानदारों को उनका मालिकाना हक मिले इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी एक सोच एक विज़न किस प्रकार से कोरोना महामारी के कारण बहुत समय से हमारे जो मुंसिपल कमेटी में दुकानदार भाई बैठे थे और बेचारे बहुत बिजनेस में भी बहुत किसी प्रकार की कमी थी, मैं कोई इनकम और सोर्स नहीं था, बेचारे रेंट नहीं भर सकते थे, उनको देखते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा निर्णय लिया और दुकानदार भाई आज मेरे साथ मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से एक पॉलिसी बनाई दुकानदारों को, जो दुकानदार 20 साल से बैठा है उसको दुकान के डीसी रेट पर जो हमारा प्राइस है उस पर हम देने के लिए, साथ में ये किया कि 20% जो दुकानदार भाई 20 साल से बैठा है उसको 20% उसमें जो हमारा प्राइस है उसमें से कम देंगे, 30 साल से बैठा है 30%, 40 साल से बैठा है 40%, 50 साल से बैठा है 50%। ये दुकानदार भाइयों की बड़ी बहुत बड़ी रियायत दी। आज उसी को लेकर मैंने एक मुंसिपल कमेटी में मीटिंग रखी जो टर्म कंडीशन सरकार लगाने जा रही है और जो दुकानदार भाइयों के साथ है उसके तहत बैठकर मैंने मास्क के अंदर एक दुकानदार भाई, टोटल जितने हमारे यहाँ 189 शॉप्स हैं जिनको दुकानें अलाटमेंट होनी है, तो उनके लिए मैंने आज बैठ के एक मीटिंग ली। मीटिंग के अंदर ये लिया कि जो एग्रीमेंट में बातचीत आई है ऊपर से गवर्नमेंट लेवल पे और दुकानदार भाई के पास कौन से पेपर हैं जो उनसे नहीं हैं, उन पेपरों के बारे में हमने बातचीत की खुल के। उन्होंने हमें बताया कि ये पेपर हमारे पास अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, हमें कोई पोजेशन लेटर नहीं मिला, हमें कोई ट्रांसपोर्ट लेटर नहीं मिला, वो सारे डॉक्यूमेंट कॉरपोरेशन के पास हैं। अब इसके लिए वो लेटर जमा कराएँ उसकी वजह की बजाय हम एक गवर्नमेंट से लेटर इशू कराएंगे कि इन दुकानदार भाइयों का जो भी रिकॉर्ड है कॉरपोरेशन के अंदर, चाहे उनका अलॉटमेंट लेटर दुकान का है, चाहे उनका ट्रांसफ़र का है, उसको ही मान्य हो जाए, मान्य हो। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें निकल के आई, कई दुकानदार भाइयों के मीटर किसी और के नाम से लगे हुए हैं और दुकान उनके नाम है। साथ में ये भी बात निकल के आई कि बहुत से जिनके फादर के नाम दुकान थी उनके फादर की डेथ हो गई, उनके बेटे के नाम है, तो इन चीज़ों को तथ्यों को रख के जो भी आया उनको मैं एक बार आज जिनकी सजेशन लिए हैं ये सजेशन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे और निर्णय तो बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री जी ने लिया है जो इन दुकानदारों को अलॉटमेंट दुकानें करने का। इसमें बहुत दुकानदार भाई खुश है, इनकी ओनरशिप हो जाएगी। आज मैंने इसकी मीटिंग ली, मैंने पूछा कि इसमें जो स्कीम देने की कमी है उनका किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा प्रदेश का निर्णय, इसका धन्यवाद करता हूँ। जिन दुकानों का डिस्ट्रीब्यूट है कि जो फर्स्ट लाटी था उसके बाद चाहे उसके बाद कितनी बार ट्रांसफ़र हुई हो उसको काउंट किया जाएगा। तो ये दुकानदार टोटल जो हमारी दुकान ने मुसल कमेटी की है जो रेंट पे हैं 20 साल से के बाद, सोच करो किसी को 19 साल हुए वो काउंट नहीं होगी, जो 20 साल है 20 साल के पहले की हैं 30 साल 40 साल 50 साल वही दुकानदार भाई इसका बेनिफिट।